हाय फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त निखिल और वेलकम है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन टेक में। आप लोग न्यूज़ तो देखते ही होंगे, सब पता होगा आप लोगों को क्या चल रहा है अभी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिहार के हैं, बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं। ऐसे लोग जो लॉकडाउन के चलते दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं, बिहार के लोग दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं, ऐसे लोग मजदूर लेबर क्लास जो गरीब फैमिली से, उन लोगों के लिए बिहार सरकार ने एक घोषणा की है। उन लोगों को खाते में 1,000 रुपये भेजा जाएगा और ये बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, बिहार कोरोना तत्काल सहायता मोबाइल ऐप करके एक ऐप है, मोबाइल ऐप, उसे इंस्टॉल करना है और उस पर सारी डिटेल्स फिल करनी है अपनी और सबमिट कर देना है। इसके बाद जो खाता दिए रहेंगे आप, अपना बिहार का खाता होना चाहिए और उस पर डायरेक्ट आपका 1,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सारा डिटेल्स मैं आपको समझाऊंगा, तब आप भी समझ जाएंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर खोल लेना, मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर खोल लिया है। यहाँ पर सिंपली टाइप करना आपदा डॉट bih.nic.in और इंटर। ये हमारे पास ऐसा फॉर्म आ जाएगा, ये ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है, ठीक है। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ पहले अच्छे से पढ़ लेना। जैसे मैं कुछ कुछ बता देता हूँ, जैसे जो जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है जिसके नाम अपने नाम से, उसका आधार कार्ड का प्रति मतलब फोटो कॉपी मतलब फोटो होना चाहिए। इसके बाद जो खाता है उसका वो बिहार का होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद फोटो सेल्फी फोटो चाहिए। जो भी अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा है और या फिर किसी से करवा रहा है वहाँ पे मौजूद होना चाहिए ताकि सेल्फी फोटो अपलोड कर सके, ठीक है। इसके बाद आधार कार्ड का भी फोटो उसी टाइम लिया जाएगा। और फिर है आधार संख्या, आधार संख्या पर एक ही रजिस्ट्रेशन होगा और एक आधार कार्ड से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, उससे एक से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP मोबाइल ऐप पर करना होगा, मतलब मोबाइल ऐप पे जो अपना जो मोबाइल नंबर होगा आपका उस पर एक OTP जाएगा और उसको वेरीफाइड करना होगा उस पर ऐप पर डालने के बाद, ठीक। इससे संबंधित सहायता सिर्फ बैंक खाता में ही भेजा जाएगा। जो इससे संबंधित सहायता सिर्फ बैंक अकाउंट में, जो भी पैसा 1,000, अभी तो 1,000 का घोषणा किया है सरकार ने, बाकी जिस तरीका से माहौल मतलब और भी अगर डेट बढ़ता है तो फिर और भी कुछ देना चाहेगी सरकार, तो आपको उसी खाते पे देगी, ठीक है। तो ये था, आप उस ऐप को डाउनलोड कैसे करना है। और हाँ, जो और कोई भी प्रॉब्लम आती है इस रजिस्ट्रेशन करने में या फिर ऐप डाउनलोड करने में, तो नीचे में देखो ये इतने सारे नंबर दिए गए हैं सलाहकार और मददगार, जो भी है उनको कॉल करके आप कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपको तो पूछ सकते हो। और मेल आईडी भी है एक, तो कोई प्रॉब्लम आती है तो मेल भी कर सकते हो, आपको रिप्लाई आएगा उधर से, ठीक है। इसके बाद ऐप यहाँ से हमें डाउनलोड करना है, देखो बिहार कोरोना तत्काल सहायता मोबाइल ऐप है, बस उसको उस पर क्लिक करना है और ये हमारा देखो डाउनलोड चालू हो गया। यहाँ पे डाउनलोड हो गया अपना, डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद में आगे का प्रोसेस बताता हूँ, आप भी डाउनलोड कर लेना। अब कैसे उसको फिलअप करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन, अब मैं डिटेल्स में बताता हूँ आपको। तो ये हमारा फाइनली इंस्टॉल हो चुका है, बिहार कोरोना सहायता मोबाइल ऐप। ये स्क्रीन पर जो सामने दिख रहा है आपको, बस यही है। आप भी जब इंस्टॉल करोगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, बस इसको ओपन कर लेना है अपने को। खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, वेट करेंगे। और ये हमारे सामने फाइनली खुल चुका है। और आप देखो हमें जो आधार कार्ड अपलोड करना है वो इसी फॉर्मेट में जो दिख रहा है सामने ऐसे ही बिल्कुल अपलोड करना है, एकदम साफ साफ फोटो खींच के, ठीक है। ये सैंपल है, ऐसे ही करना है। फिर इसका जो आपका सेल्फी फोटो अपलोड करना है वो ऐसे ही करना है, हाफ हाफ फोटो
और जो सामने दिख रहा है बिल्कुल ऐसे सैंपल है ये। आप देखो नीचे दो ऑप्शन दिख रहा है हमें, पंजीकरण के लिए आगे बढ़िए और पंजीकृत डेटा में सुधार करें। अगर आप फॉर्म फिलअप कर चुके हैं ऑलरेडी तो जो गलतियां हुई हैं आपसे उसको सुधार कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हम तो अभी न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पंजीकरण कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक किया और इसके बाद हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। आप देखो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप अपना ऐसे ही फिलअप कर लेना। तो सबसे पहले गृह जिला का नाम, जो भी आपका जिला का नाम है यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ऑलरेडी, यहाँ से फिलअप कर लेना, ठीक है। इसके बाद नीचे आना, फिर गृह प्रखंड का नाम, जो भी आपके प्रखंड का नाम है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। ऊपर हमने फिलअप नहीं किया था इसलिए नीचे नहीं आ रहा था। जो भी आपका जिला नाम है वो सिलेक्ट कर लेना यहाँ से, जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। मतलब आप देखो यहाँ पे प्रखंड सेकंड में जो है, आप प्रखंड यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका प्रखंड है, ठीक है। इसके बाद नीचे आना, फिर ग्रीप पंचायत का नाम, जो भी आपका पंचायत का नाम है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। ऊपर पहले सिलेक्ट करना होता है तभी जाके खुलता है नीचे यार। कोई नहीं, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया आपका। इसके बाद पंचायत जो ये है आपका जो भी, वो सिलेक्ट कर लेना। ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद लाभार्थी जो भी फॉर्म भर रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है, पंजीकरण कर रहा है अपना, वो यहाँ पे अपना नाम डाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से टाइप कर लेंगे, जो भी आप भी डाल लेना अपना। इसके बाद लाभार्थी का लिंक, जो भी स्त्री है तो स्त्री, पुरुष है तो पुरुष, महिला महिला, अन्य जो भी डालना पुरुष। फिर पिता का नाम डाल लेना यहाँ से, ठीक है, जो भी आपके पापा का नाम है वो डाल लेना। इसके बाद आधार नंबर, यहाँ पे आधार नंबर फिलअप करना, ठीक है। और इसके बाद फिर आधार नंबर डालने के बाद सत्यापित करें, यहाँ पे क्लिक कर देना। इसके बाद हमारे पास ये पेज खुल चुका है। तो देखो आपका जो नाम है ऊपर में शो कर रहा है और आधार कार्ड। इसके बाद आप सभी किस राज्य में है, आप अभी किस राज्य में है, बस यहाँ पे जिस राज्य में है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद आप अभी किस जगह पर है, मतलब जो जगह पे हो आप यहाँ पे डाल देना, जो भी जगह है आप डाल देना यहाँ पे। इसका मोबाइल नंबर डालना, और यहाँ पे ओटीपी के लिए सत्यापित कर देना। तो यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। तो फिर इसके बाद ओटीपी यहाँ सत्यापित करोगे तो ओटीपी डाल देना अपना, ठीक है। इसके बाद आईएफएससी कोड डालना आप अपना यहाँ पे, जो भी बैंक का आईएफएससी कोड है वो डाल देना। इसके बाद यहाँ पे बैंक खाता, जो भी अकाउंट नंबर है आपका ये डाल देना। इसके बाद इंटर करना अकाउंट नंबर, और इसके बाद आधार कार्ड का फोटो यहाँ से खींच लेना, ठीक है। इसके बाद आपका जो सेल्फी फोटो यहाँ से खींच के अपलोड कर लेना। इसके बाद नीचे फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आएगा, फाइनल सबमिट कर देना। थोड़ा टाइम लगता है वेरिफिकेशन करने में। इसके बाद फाइनल आपके पास जो नंबर दिए हो आपने उस पर मैसेज आ जाएगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कंप्लीट हो गया है। इसके बाद कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट आपके अकाउंट पे 1,000 रुपये बिहार सरकार के थ्रू भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल और कुछ मदद मिली होगी इस वीडियो से। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही और अपडेट और ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अपडेट आप तक पहुंच जाए, ठीक है। धन्यवाद।